फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे, कैंटिलीवर बीम से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, करेक्ट है? देन सिंपली सपोर्टेड, देन ओवरहैंगिंग, कुछ इस तरीके से हम लोग मूव ऑन करेंगे। सो लेट्स सी हियर, फर्स्ट हियर हियर आई एम कंसिडरिंग अ बीम, अ कैंटिलीवर बीम लाइक दिस, एंड सिंपली इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ हॉरिजॉन्टल लाइन, करेक्ट है दोस्तों? इसके अदर डायमेंशंस को मैं यहाँ पे शो नहीं करूंगा। एंड नाउ दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू अ लोड एट इट्स फ्री एंड ओनली, करेक्ट? लाइक दिस, एंड सपोज दिस इज नथिंग बट दिस इज लोड पी एंड दिस एंड इज फिक्स्ड, करेक्ट? एंड सपोज इट्स लेंथ इज एल एंड दिस एंड इज ए एंड दिस एंड इज बी। नाउ वी नीड टू ड्रॉ इट्स शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, इज इट क्लियर? सो लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड इट। यू जस्ट ड्रॉ द रेफरेंस लाइन लाइक दिस, वर्टिकल रेफरेंस लाइन एक्सट्रीम एंड से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों, करेक्ट है? एंड अलॉन्ग विद दिस रेफरेंस लाइन फर्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ बेस लाइन फॉर एस एफ डी एंड सिमिलरली बेस लाइन फॉर बी एम डी। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग एस एफ डी के लिए बेस लाइन ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, करेक्ट है? बेस लाइन फॉर शियर फोर्स डायग्राम। एंड रिमेंबर वन थिंग, हियर वी कंसिडर अबाउट दिस लाइन हियर वी कैन कंसिडर पॉजिटिव शियर फोर्स, यहाँ पे हम पॉजिटिव शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे एंड बिलो दिस लाइन हियर वी रिप्रेजेंट नेगेटिव शियर फोर्स, करेक्ट? तो ये हमारा यहाँ पे कंसिडरेशन होगा फॉर ड्राइंग शियर फोर्स डायग्राम, इज इट क्लियर? करेक्ट है? चलिए देखते हैं अब कैसे हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम, व्हेन सिंस वन एंड इज फ्री देन वी डोंट नीड टू सॉल्व और फाइंड रिएक्शन एट द सपोर्ट, ये सर नो, आपको किसी भी सपोर्ट में रिएक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका एक एंड फ्री है। अगर दोनों एंड में सपोर्ट होता है लाइक सिंपली सपोर्टेड बीम और फिक्स बीम, देन फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट रिएक्शन, ये सर नो। तो यहाँ पे एक स्टेप बच जाता है, हम इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इज इट क्लियर? सो लेट्स सी हियर, फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फर्स्ट यू कट अ सेक्शन, एक यहाँ पे एक सेक्शन कट करेंगे लाइक दिस। सपोज दिस इज नथिंग बट दिस इज सेक्शन एक्स एक्स विच इज लाई ऑन एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम दिस फ्री एंड। इस फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन कट किया दोस्तों, करेक्ट? लाइक दिस। एंड नाउ यू कैन सी, आई रिमेंबर वन थिंग, यहां पे क्या करूंगा मैं, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मैं पॉजिटिव एक्स लू रहा कंसिडर करूंगा और इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो नेगेटिव एक्स, करेक्ट है? तो ये अंडरस्टूड है, हालांकि इसकी कोई खास नीड नहीं है पर फिर भी मैं बता दूं आपको, करेक्ट है? अब चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट शियर फोर्स एट दिस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड आपको डायग्राम ड्रॉ करना है एंड ये जो डायग्राम आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज लोड डायग्राम। फर्स्ट जो डायग्राम है दिस इज कॉल्ड एज लोड डायग्राम, करेक्ट? इसी लोड डायग्राम के ठीक नीचे हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड उसके ठीक नीचे हम लोग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, करेक्ट है? आप ऐसा मत करना कि आपने लोड डायग्राम यहाँ बनाया और शियर फोर्स डायग्राम यहाँ के ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है, करेक्ट है? प्रॉपर प्रोसीजर ये है कि लोड डायग्राम के ठीक नीचे आप शियर फोर्स डायग्राम और उसके नीचे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को ड्रॉ करो, तभी इनके बीच में प्रॉपर रिलेशन हमें समझ में आता है यहाँ से, करेक्ट है? अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट शियर फोर्स एट दिस क्रॉस सेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हियर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट और हियर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट शियर फोर्स, कैलकुलेशन फॉर शियर फोर्स डायग्राम। एस एफ टी के लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, करेक्ट है? तो हमने यहाँ पे लिख दिया एस एफ टी, करेक्ट? अब किस सेक्शन के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो ऑब्वियसली इन दिस हियर वी हैव ओनली वन सेक्शन दैट इज ए बी। इस सेक्शन को भी यहाँ पे मेंशन कर दो कि हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करेंगे फॉर ए बी सेक्शन करेंगे। एंड नाउ फर्स्ट हियर वी नीड टू फाइंड आउट शियर फोर्स एट क्रॉस एट सेक्शन एक्स एक्स। इस सेक्शन में आपको शियर फोर्स पता करना है, तो मैंने आपको बताया था कि शियर फोर्स इज नथिंग बट इट इज एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस इधर राइट फोर्स राइट साइड ऑफ द सेक्शन और लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन इज कॉल्ड एज शियर फोर्स। तो इस सेक्शन में आपको यहाँ पे बैठ जाना है और राइट साइड देखना है, तो जितने भी आपको फोर्स दिख रहे हैं राइट साइड सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम ले लो। अब यहाँ पे देखो मैं आपको एक बार साइन कन्वेंशन याद दिला दूं,
दोस्तों अगर आपके पास सेक्शन एक्स एक्स है सपोज, इसके राइट साइड अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है या इसके लेफ्ट साइड कोई फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो इन दोनों ही फोर्सेस को हम पॉजिटिव शियर फोर्स कहेंगे। एंड सिमिलरली अगर इस सेक्शन के राइट साइड अपवर्ड और लेफ्ट साइड डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है तो इसे मैं नेगेटिव शियर फोर्स कहूंगा। करेक्ट है, नेगेटिव शियर फोर्स। करेक्ट है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया साइन कन्वेंशन दोस्तों। अब नाउ टेल मी विद रिस्पेक्ट टू दिस साइन कन्वेंशन, यहां पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एनीवन? हेलो, प्लस पी, वेरी गुड, हियर वी कैन गेट प्लस पी। एक्स के डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है और होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हमें क्या मिला है? प्लस पी, इज इट क्लियर? इसके अलावा कोई और फोर्स तो एक्ट नहीं हो रहा है, यस आर नो? एंड सिंस दिस इज कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड तो डायरेक्टली हम यहाँ पे पी लिख सकते हैं, यस आर नो? तो आप देखो यहाँ पे ये तो हमें फोर्स मिल गया नाउ, एंड सिंपली यू कैन से यहां पे मैं लिख सकता हूं दिस इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं पी इंटू एक्स टू द पावर जीरो, यस आर नो? ये क्या शो करता है? दिस इज कांस्टेंट, इज इट क्लियर? अब यहां पे अगर आप लिखो शियर फोर्स एट बी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो भी आपको यहां पे पी मिलेगा, शियर फोर्स एट ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल तो भी यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला? P, इज इट क्लियर? अब हमें दोनों एंड पे फोर्स पता है, अब इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है? तो ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड अबव द बेस लाइन, यस आर नो? इस बेस लाइन के अबव हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज पी, करेक्ट? और इन बिटवीन आप देखो, इन बिटवीन ए भी कोई फोर्स नहीं है, करेक्ट है? जब इन बिटवीन कोई फोर्स नहीं है तो दोस्तों सिंपली क्या होगा, यहाँ पे यही सेम मैग्नीट्यूड होगा एंड हियर वी हैव पॉजिटिव शियर फोर्स, तो सिंपली हियर वी कैन गेट पॉजिटिव शियर फोर्स थ्रू आउट द लेंथ, यस आर नो? करेक्ट है। हियर वी हैव प्लस पी एंड हियर वी हैव प्लस पी, इज इट क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों कैसे हमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आप कैलकुलेशन करना है फॉर बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हमें लिखना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, तो बेंडिंग मोमेंट एट दिस एक्स एक्स, यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगा दोस्तों? सिंपली यू कैन सी हियर दिस फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और मैंने आपको कहा था कि ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस प्रोड्यूसेस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट and all upward forces produces positive bending moment, correct है? या simply आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके पास hogging है तो negative है, sagging है तो positive है, yes or no? This is hogging and this is sagging, correct? अब कैसे पहचानेंगे कि ये hogging है या sagging है? तो दोस्तों यहां पे देखो, अगर मैं इस सेक्शन के राइट साइड पोर्शन को यहां पे ड्रॉ करूं इंडिविजुअली और इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं और यहां पे लोड पी एक्ट हो रहा है, तो इस लोड की वजह से बीम कैसे बेंड होगा? इट इज बेंडिंग लाइक दिस, यस आर नो? इस तरीके से बेंड होगा, और अगर यहां पे बेंडिंग कुछ इस तरीके से मिल रहा है दोस्तों, देन यू कैन सी हियर दिस बेंडिंग इज लाइक हॉगिंग, यस आर नो? इस पोर्शन जैसा दिख रहा है, यस आर नो? तो ऑब्वियसली क्या हुआ, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हुआ, तो सिंपली वी कैन से दिस इज माइनस पी इंटू एक्स, यस आर नो? एंड नाउ बेंडिंग मोमेंट एट बी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या आएगा यहाँ पे?
बेंडिंग मोमेंट एट बी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्या है दोस्तों, इट इज सिंपली जीरो। एंड सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल लेंथ, तो ये क्या है दोस्तों, माइनस पी एल, करेक्ट। तो यहां से आपको वैल्यू मिल गई। एंड यू कैन सी वन मोर थिंग, एक्स की पावर वन है, इट मीन्स दिस इज लीनियर रिलेशन, दिस इज लीनियर रिलेशन, ये सर नो, मतलब यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वह लीनियरली वेरी करेगा। एंड नाउ फर्स्ट फॉर ड्रॉइंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फर्स्ट यू ड्रॉ अ बेस लाइन, करेक्ट। तो इसे कहते हैं बेस लाइन फॉर बीएमडी। एंड अगेन हियर वी हैव सेम रूल्स, अबव द लाइन वी कैन रिप्रेजेंट पॉजिटिव वैल्यू एंड बिलो द लाइन वी कैन रिप्रेजेंट नेगेटिव वैल्यू, करेक्ट। एंड यू कैन सी हियर एट पॉइंट बी द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एंड एट पॉइंट ए वी हैव मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट इज पी एल एंड इन बिटवीन द बेंडिंग मोमेंट इज वेरिंग लीनियरली, देयरफॉर वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। इज इट क्लियर? दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस लोडिंग, यस आर नो, करेक्ट। यहां पे क्या मिला वैल्यू दोस्तों, माइनस पी एल एंड हियर वी कैन गेट जीरो, यस आर नो, एंड दिस इज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। इज इट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, करेक्ट है दोस्तों। तो ये सिंपली पॉइंट लोड के लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। एंड इन सेम मैनर वी कैन ऑल्सो ड्रॉ फॉर यूडीएल, ये सर नो। तो चलिए यूडीएल के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो लेट अस कंसीडर हियर वंस अगेन अ कैंटिलर बीम हुज लेंथ इज एल एंड वन एंड ऑफ द बीम इज फिक्स, अनदर एंड इज हैविंग फ्री, ये सर नो, लाइक दिस। एंड नाउ दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल, करेक्ट है दोस्तों। तो मैंने आपको बच्चे से बताया था कि यूडीएल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से, यस आर नो, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, करेक्ट। दिस इज बेंडिंग मोमेंट, सॉरी दिस इज लोड एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज रेट ऑफ लोडिंग एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू। और ये सिंबल बताता है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ना कि इंक्लाइंडेड है, करेक्ट है। कई लोग इसे एरो को समझ जाते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी एक्ट हो रहा है, बट एक्चुअली इस पर्टिकुलर लोड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर? या तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा या सिंपली इसको हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, इसी यूडीएल लोड को, करेक्ट है। यू कैन सी हियर, बोथ रिप्रेजेंटेशन आर करेक्ट और दोनों ही रिप्रेजेंटेशन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बोथ आर सेम रिप्रेजेंटेशन, बोथ रिप्रेजेंट्स यूडीएल, यस आर नो। लाइक दिस। और ये जो हाइट है, दिस हाइट इज नथिंग बट दिस इज डब्ल्यू और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, करेक्ट, न्यूटन पर मीटर। ये दोनों ही तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये समझ में आ गया दोस्तों। और ये एरो इटसेल्फ बता रहे हैं कि ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, यस आर नो, लाइक दिस। नाउ अगेन इफ यू नीड टू ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस काइंड ऑफ लोडिंग, देन फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ अ रेफरेंस लाइन फ्रॉम बोथ एक्सट्रीम एंड्स, यस आर नो, लाइक दिस, कुछ ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट यू नीड टू ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू दिस लोडिंग डायग्राम। यहाँ पे मैं एक बेस लाइन ड्रॉ करूंगा और इसे हम लिख देते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज बेस लाइन फॉर एस एफ डी। इज इट क्लियर? ये हमें मिल गया एस एफ डी का बेस लाइन, करेक्ट है। अब देखो दोस्तों, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है फॉर एस एफ डी, करेक्ट। और उससे पहले मैं इन पॉइंट्स के नेम दे दूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें लिखना है कैलकुलेशन किसके लिए करना है, फॉर एस एफ डी। तो पहले आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख दो कि दिस कैलकुलेशन रिलेटेड टू एस एफ डी एंड आफ्टर दैट किस सेक्शन के लिए आपको कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी सेक्शन के लिए, करेक्ट है। अब नाउ इन बिटवीन ए बी सेक्शन, फर्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू कंसिडर अ क्रॉस सेक्शन लाइक दिस। एक एक सेक्शन कट करेंगे जो कि एक्स डिस्टेंस पे लाई कर रहा है फ्रॉम दिस बी एंड। इज इट क्लियर? इस बी एंड से एक्स डिस्टेंस पे क्रॉस सेक्शन लाई कर रहा है, दैट इज एक्स एक्स। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ पे लिखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स, करेक्ट। तो सिंपली यहाँ पे लिखूंगा शियर फोर्स एट एक्स एक्स, दिस इज नथिंग बट, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लोड वेरी कर रहा है न्यूटन पर मीटर,
करेक्ट है, पर मीटर से यहाँ पे लोड वेरी कर रहा है, यस आर नो? तो अगर मैं इस डब्ल्यू में इस एक्स की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूं, और सिंपली यू कैन से आपको इसका एरिया पता करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया पता करना, और ये एरिया ही नेट फोर्स कहलाएगा, करेक्ट है दोस्तों? तो इस एरिया की वैल्यू क्या आएगी बोलो? इट इज सिंपली रिटन एज डब्ल्यू इंटू एक्स। डब्ल्यू की यूनिट है न्यूटन पर मीटर और एक्स की यूनिट है मीटर, तो सिंपली यहाँ पे क्या मिला, यूनिट न्यूटन, यस आर नो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वंस अगेन यू कैन सी हियर, सेक्शन के राइट साइड अगर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो और सेक्शन के लेफ्ट साइड अपवर्ड, तो इसे मैं पॉजिटिव कहूंगा, शियर फोर्स, यस आर नो? और मैं दो तीन बार यहाँ पे इसलिए साइन कन्वेंशन बार बार लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, और आपको भी यही करना है, करेक्ट है? और सेक्शन के राइट साइड अपवर्ड और लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है, तो इसे कहेंगे हम नेगेटिव शियर फोर्स, यस आर नो? लाइक दिस, ये हमारा साइन कन्वेंशन है। एक और तरीका है कि आप सिंपली देखो, अगर ये जो फोर्स है ये किस तरीके का कपल, अगर सपोज आप इस फोर्स को ही कंसीडर कर लो, करेक्ट है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में कपल प्रोड्यूस करेगा अबाउट दिस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन? तो सिंपली हम कह सकते हैं इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस अ कपल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करे कोई भी फोर्स, तो भी हम उसे पॉजिटिव कहेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करे कोई भी फोर्स, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, नेगेटिव शियर फोर्स। तो इस कपल के डायरेक्शन की हेल्प से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर योर फोर्स इज नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सिंपली यहाँ पे मिला पॉजिटिव, और यहाँ की एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट दिस इज लीनियर, यस आर नो? अब आपको पता करना है शियर फोर्स एट बी, और बी पे एक्स की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यू कैन सी हियर द वैल्यू ऑफ एक्स एट पॉइंट बी इज 0। वाई? बिकॉज दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट। ये एक्स जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये हमने मेजर किया फ्रॉम बी पॉइंट, यस आर नो? और बी को हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज अ रेफरेंस, तो रेफरेंस पे डिस्टेंस क्या होगा, 0। यहाँ पे आपको शियर फोर्स मिल गया 0। एंड सिमिलरली यू कैन सी शियर फोर्स एट ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल लेंथ, देन इट कैन बी सिंपली रिटन एज डब्ल्यू एल। और ये लीनियर वेरिएशन है, दोनों एंड पे हमें वैल्यूज पता चल चुकी है, तो अब हम दोस्तों यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, यस आर नो? लाइक दिस, यस आर नो? करेक्ट। एंड हियर वी हैव पॉजिटिव शियर फोर्स, इज इट क्लियर? एंड इट्स वैल्यू इज नथिंग बट दिस इज डब्ल्यू एल, दिस इज पॉजिटिव शियर फोर्स, करेक्ट? नेक्स्ट अब आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो लेट्स सी हियर फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अगेन हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ बेस लाइन, दिस इज बी एम डी, बेस लाइन फॉर बी एम डी, करेक्ट? अब बी एम डी के लिए आपको कैलकुलेशन करना है, तो आप सबसे पहले यहां लिख दो कैलकुलेशन फॉर बी एम डी। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, अब दोस्तों यहां पे देखो इस रीजन में नेट फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है, या मैं इस फिगर में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एवा वाले फिगर में। तो इस रीजन में एक्स लेंथ में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, नेट फोर्स इज नथिंग बट दिस इज डब्ल्यू एक्स। अब चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लोड है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि दिस एंटायर फोर्स कैन एक्ट एट द सेंट्रोइड ऑफ दिस लेंथ एक्स, यस आर नो? तो ये सेंट्रोइड कहीं यहां पे सपोज आएगा, या यहां पे मैं लिख सकता हूं, सिंपली मैं कहूं कि अगर मैं इस यूडीएल को हटा दूं यहां से, एंड इंस्टेड ऑफ यूडीएल हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई अ सेंट्रोइडल लोड, एक कॉन्सेंट्रेटेड सेंट्रोइडल लोड, अगर सेंट्रोइड पे लोड अप्लाई कर दो विद सेम मैग्नीट्यूड, तो आपको वही सेम इफेक्ट मिलेगा जो यूडीएल से मिला था, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज डब्ल्यू एक्स, करेक्ट? अब आपका यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं, इधर उधर फोर्स जो लग रहा है, आपने सिंपली अज्यूम कर लिया कि दिस एंटायर फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट दिस वन इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड, करेक्ट है? अब क्वेश्चन आता है कि सेंट्रोइड की पोजिशन क्या है, तो चूंकि ये रेक्टेंगुलर है, करेक्ट है, तो इसका सेंट्रोइड ऑब्वियसली हाफ लेंथ में लाई करेगा फ्रॉम बोथ साइड, तो सिंपली मैं लिख सकता हूं दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्स बाई टू लेंथ, यस आर नो? करेक्ट है, एक्स बाई टू फ्रॉम राइट फ्रॉम एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन और एक्स बाई टू फ्रॉम बी, दोनों साइड से मिड पॉइंट पे यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा, दैट इज डब्ल्यू एक्स। अब यहाँ पे देखो ये डब्ल्यू एक्स फोर्स लग रहा है, इट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड एज वी नो दैट डाउनवर्ड फोर्स विल प्रोड्यूस नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, तो यहाँ पे साइन लगा देता हूँ माइनस, तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, याद रखना जब भी ये डिस्टेंस की वैल्यू लिखोगे आप, तो एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन से ही डिस्टेंस मेजर करना, तो सिंपली हम लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू एक्स, दिस इज फोर्स एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
यहाँ पे इक्वेशन क्या गया, दिस इज नथिंग बट दिस इज माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, इज इट क्लियर। तो ये पेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन मिला अबाउट दिस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, करेक्ट। अब सिंस हियर वी हैव एक्स टू द पावर टू, दैट्स व्हाई सिंपली वी कैन से दिस इज पैराबोलिक, दिस इज पैराबोलिक वेरिएशन, यस आर नो। नाउ यू कैन सी हियर बेंडिंग मोमेंट एट ए बी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट इज सिंपली रिटन एज जीरो। एंड नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल, ठीक है दोस्तों, इट इज सिंपली रिटन एज माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। देखो अब आपको दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे वैल्यूज मिल चुकी हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब आपका पैराबोला कैसा बनेगा। इधर इट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, करेक्ट, या तो इस तरीके से ड्रॉ हो गई और इट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, करेक्ट। सपोज दिस इज कर्व ए एंड दिस इज कर्व बी। नाउ द क्वेश्चन इज विच वन इज करेक्ट। देखो दोनों में यहाँ पे क्या है, एट बी एंड द बेंडिंग मोमेंट जीरो एंड एट ए एंड द बेंडिंग मोमेंट इज सिंपली माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। नाउ द क्वेश्चन इज विच कर्व इज करेक्ट, करेक्ट है। अब कैसे आइडेंटिफाई करें, तो मैं एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्लास टेंथ में जो आपने पढ़ा होगा। देखो कैसा इक्वेशन है, सपोज वी हैव वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो पॉजिटिव है। सिंपली यहाँ पे लिख दू, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, यस आर नो। अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ करूँ उसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप कंसिडर कर लो, यू कैन गेट पॉजिटिव वाई एंड इट इज वेरिंग लाइक दिस, यस आर नो। एंड सिमिलरली एक्स की कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप कंसिडर करो, करेक्ट है, तो भी आपको एम एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वाई की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। क्यों पॉजिटिव मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स पॉजिटिव रखो या नेगेटिव दोनों हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। एंड सिमिलरली इफ यू हैव y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, नेगेटिव, तो यहाँ पे अगर मैं इसके लिए पैराबोला ड्रॉ करूँ, देन यू कैन सी x की कोई भी, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, करेक्ट है। तो इस केस में x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप पुट कर लो, आपको y नेगेटिव ही मिलेगा। एंड सिमिलरली x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो, y आपको हमेशा यहाँ पे नेगेटिव ही मिलने वाला है, करेक्ट है दोस्तों। जिसे कहते हैं पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, करेक्ट, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। और यहां पे क्या होगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, करेक्ट दोस्तों, आई थिंक ये समझ में आ गया हाउ टू ड्रॉ, करेक्ट है, ये सेकंड ए ही बनेगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। अब यहां पे देखो मैंने यहां पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया, ओके करेक्ट है। तो अब आप यहां पे देख के बताओ मुझे कि किस, यहां पे जो हमारे पास इक्वेशन है वाई इज इक्वल बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो कर्व बनने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कर्व, यस आर नो, इससे हम मैच कर सकते हैं। तो इसका कौन सा पोर्शन, दिस पोर्शन, यस आर नो, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों, तो ये ए कर्व से मैच कर रहा है, इट मीन्स दिस बी कर्व इज अ रॉन्ग कर्व, ये बी कर्व शो कर रहा है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, जबकि ए कर्व यहाँ पे शो कर रहा है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया कंप्लीटली कि हाउ टू ड्रॉ पैराबोला, करेक्ट। हेलो, नाउ टेल मी इफ यू हैव स्टिल, इफ यू हैव एनी डाउट, एनीवन। तो दोस्तों आई थिंक समझ में आ गया। और यहां पे फ्रॉम बिगनिंग कि कैसे हमने बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखा, करेक्ट है, फिर हमने उनकी वैल्यूज पता की एट बोथ एंड्स, करेक्ट, और फिर हमने उसको देखा कि हाउ टू ड्रॉ इट्स कर्व, करेक्ट। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया क्या। हेलो, चले, वेरी गुड शंकर, समझ में आया कि नहीं आया, ओके चलिए नेक्स्ट ये सब देखते हैं। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू,
यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, इज इट क्लियर? लाइक दिस, चलो ओके। अखंड क्या है सर? एस एफ एट ए फिर से बताना है, और अपवर्ड कैसे हुआ? सीयर फोर्स, देखो यहाँ पे सीयर फोर्स जो है, यहाँ पे इक्वेशन देखो सीयर फोर्स की, यहाँ पे आप देख सकते हो सीयर फोर्स का इक्वेशन कैसा है। यहाँ पे डब्ल्यू इंटू एक्स टू द पावर वन, ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि तो यहाँ पे ये जो भी फोर्स लग रहा है ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, और डाउनवर्ड फोर्स की वजह से क्या होगा, ये क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करेगा, तो सिंपली इसको तो हम पॉजिटिव लिख सकते हैं कि नहीं, करेक्ट? तो ये समझ में आया। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर दो। आपने रेफरेंस बी पॉइंट लिया है, बी से एक्स डिस्टेंस पे क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स कंसिडर किया था, तब आपको इक्वेशन ऐसे मिली थी। तो इट मीन्स कि शियर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एंड यू नीड टू फाइंड आउट शियर फोर्स एट पॉइंट बी वेर एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या मिल गया, जीरो। एंड सिमिलरली शियर फोर्स एट ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल लेंथ, तो ये क्या मिल गया, डब्ल्यू इंटू एल। आपको सिर्फ इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देना एक्स के विद रिस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट, ये सर नो। तो आई थिंक समझ में आ गया अखंड, हाउ टू ड्रॉ दिस शियर फोर्स। अब दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो जीरो है और यहाँ पे पॉजिटिव डब्ल्यू एल है, और लीनियर वेरिएशन है, तो हमने सिंपली लाइन से ज्वाइन कर दिया दोनों एंड को। यहाँ पे पॉजिटिव शियर फोर्स डायग्राम मिल गया, ये सर नो। हेलो, ओके, चले ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो, यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, और यहाँ पे इस यूडीएल का मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज नथिंग बट दिस इज डब्ल्यू, जो कि फिक्स्ड एंड में एक्ट हो रहा है, लाइक दिस, इज इट क्लियर? फिक्स्ड एंड पे डब्ल्यू लोड एक्ट हो रहा है। अब हमें इसके लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। देन यू जस्ट फर्स्ट ड्रॉ द रेफरेंस लाइन लाइक दिस, एक रेफरेंस लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे दोस्तों। करेक्ट, लाइक दिस, और सपोज इट्स लेंथ इज नथिंग बट इट्स लेंथ इज एल, यहां पे जो लेंथ है इसके दोस्तों कैसी है, दिस इज नथिंग बट दिस इज एल लेंथ, करेक्ट? एंड सपोज दिस इज ए एंड एंड दिस इज बी एंड, और ये फोर्स कैसे लग रहा है, एवरीवेयर वी हैव डाउनवर्ड फोर्स लाइक दिस एवरीवेयर, कंप्लीट सॉन्ग के लिए 50 घंटे मिनिमम लगते हैं पहले, करेक्ट है? चलिए अब इसके लिए हम कैलकुलेशन करें, तो हमें कैलकुलेशन करना है फॉर एस एफ डी, इज इट क्लियर? करेक्ट है, चलिए अब देखते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले वही सेम रूल्स कि फर्स्ट आप एक सेक्शन कट करो, लाइक दिस, एंड सपोज दिस इज क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स विच इज लाई ऑन एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम फ्री एंड, दैट इज बी, करेक्ट है? अब दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस रीजन, इस ट्रायंगल, मैंने आपको कहा था ना कि शियर फोर्स इज नथिंग बट इट इज जस्ट एरिया ऑफ दिस कर्व, यस आर नो? तो इस एरिया को पता करने के लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा, इस रीजन पे विड्थ क्या है, यस आर नो? करेक्ट, यहां पे आपको पता करना है कि ये विड्थ क्या होगी, एंड वंस यू गेट, सॉरी हाइट, विड्थ कह रहा हूं, हाइट, एंड वंस यू गेट हाइट देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द नेट शियर फोर्स एट दिस क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, करेक्ट? तो दोस्तों यहां पे देखो, यहां पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। इसे अगर सपोज मैं कह दूं कि दिस इज डब्ल्यू एक्स, करेक्ट, डब्ल्यू एक्स यहाँ पे लोड एक्ट हो रहा है, और सिमिलर ट्रायंगल की अगर मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करूं और इधर साइड में लिख रहा हूं, यू कैन सी सपोज हियर वी हैव एन एंगल थीटा, करेक्ट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इट इज सिंपली रिटन एज
बिगर ट्रायंगल में डब्ल्यू बाई टोटल लेंथ एल, और स्मॉलर ट्रायंगल में क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स बाई एक्स, करेक्ट। तो यहां से दोस्तों डब्ल्यू एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, इट इज नथिंग बट दिस इज डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल, कुछ इस तरीके से आएगा क्या, डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल, ये सर नो। तो ये आपको मिल गया विड्थ एट दिस क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, सॉरी विड्थ कह रहा हूं मैं बार बार, दिस इज फोर्स, नेट फोर्स, और सिंपली यू कैन से नेट फोर्स भी नहीं कहूंगा, मैक्सिमम वेयरिंग लोड, ये सर नो, करेक्ट। अब ये इसका एरिया क्या हो दोस्तों, एरिया सिंपली हम लिख सकते हैं हाफ बेस, बेस जो कि एक्स है, और हाइट कितनी है, दैट इज डब्ल्यू एक्स बाई एल, करेक्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फोर्स पता कर सकते हैं क्या दोस्तों, नाउ शियर फोर्स एट दिस एक्स एक्स इज सिंपली रिटन एज डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ एल, ये सर नो, दिस इज नेट फोर्स। और ये पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और सेक्शन के ऑब्वियसली इस क्रॉस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन के राइट साइड डाउनवर्ड फोर्स है, तो इसे हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। नाउ यू कैन सी हियर एक्स की पावर यहां पे 2 है, इट मींस दिस इज पैराबोलिक, ये सर नो, ये पैराबोलिक हुआ। एंड शियर फोर्स एट ए बी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन इट विल बी रिटन एज 0, एंड सिमिलरली शियर फोर्स एट ए When x is equal to l, ये क्या है दोस्तों, इट इज सिंपली रिटन एज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू टाइम्स ऑफ l, और इसी को सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा डब्ल्यू एल बाई टू, करेक्ट। और ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हो इस होल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ डब्ल्यू इंटू एल, तो ये सेम वैल्यू तो आना ही था, ये सर नो। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, इट मीन दिस इज पैराबोलिक वेरिएशन, और पैराबोल ऑफ वेरिएशन कैसा है, पैराबोलिक वेरिएशन कैसा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है इट इज पॉजिटिव वैल्यू, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट पॉजिटिव होता है तो पैराबोल ओपनिंग अपवर्ड होता है लाइक दिस, ये सर नो, कुछ इस तरीके से बनता है ये। तो यहाँ पे जो कर्व मिलने वाला है इट इज लुकिंग लाइक दिस, करेक्ट, कुछ इस तरीके से बन गया दोस्तों, ये सर नो। यहाँ पे देखो ये जो पैराबोला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पैराबोला ओपनिंग है कि नहीं लाइक दिस, अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये सर नो, दिस इज पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आ गया कैसे हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे, एंड दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, ये सर नो। This is maximum value, that is WL by 2, and here we have positive shear force, yes or no? So I think दोस्तों यहाँ पे कोई doubt है क्या, किसी को बोलो अभी भी। अब हमें next calculation करना है for BMD. Okay, very good. चलिए देखते हैं, अब देखो अब इंस्टेड ऑफ दिस वेयरिंग लोड इस ट्रायंगल को अगर मैं यहां से हटा दूं, सपोज करेक्ट है दोस्तों, इस ट्रायंगल को यहां से हटा दूं, और कह सकता हूं मैं कि ये एंटायर लोड इस पोजीशन पे एक्ट हो रहा होगा एट ए डिस्टेंस ऑफ बेस से, जब भी ट्रायंगल का आप सेंट्रॉइड पता करोगे, सपोज दिस इज योर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो सेंट्रोइड बेस से किस डिस्टेंस पे लाई करेगा, अगर सपोज ये हाइट h है तो एच बाई थ्री डिस्टेंस पे लाई करेगा, ये सर नो दोस्तों। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ दिस इज x बाई थ्री, ये सर नो, और ये नेट फोर्स क्या आएगा, दैट इज डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू एल। तो कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, हेलो यहाँ पे किसी को डाउट है तो बता दो दोस्तों, करेक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम जो इशू रहते हैं स्टूडेंट्स के यहीं पे रहते हैं, करेक्ट है, कि यहाँ पे शियर फोर्स कैसे आएगा, एक फोर्स का इक्वेशन कैसे आएगा, करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आपको डाउट हो यहाँ पे कि कैसे मैंने इसको लिख दिया, तो आप मुझे बताओ तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा।
एनी वन, ओके प्रतीक, देखो हमने यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो तो हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि शेयर फोर्स इस रीजन का टोटल शेयर फोर्स है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 12। तो आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, करेक्ट है, क्योंकि सिंपल एरिया ही लिखा है, करेक्ट है, करेक्ट। अब ये फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, करेक्ट, ये आप यहाँ पे, मैं इसको बाहर निकालता हूं और एक बार वेट, करेक्ट, यहाँ पे देखो फिर से मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ। यू कैन सी ये पोर्शन है यहाँ पे, करेक्ट है, इसकी हाइट यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एक्स बाई एल, करेक्ट, और इसकी लेंथ है एक्स। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही शियर, वही नेट फोर्स कहलाएगा, नेट शियर फोर्स। तो नेट शियर फोर्स एट दिस एक्स एक्स क्या आ गया, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज डब्ल्यू एक्स बाई एल इंटू एक्स, ये आएगा सिंपली डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 12, करेक्ट है। ये हो गया नेट फोर्स, इस ट्रायंगल का नेट फोर्स, करेक्ट है, इस ट्रायंगल का एरिया नेट फोर्स बता रहा है, करेक्ट। अब ये कहाँ पे लाई करेगा, ऑब्वियसली इसके सेंट्रोइड पे लाई करेगा। तो हम सपोज कह सकते हैं दिस इज सेंट्रोइड, और ये सेंट्रोइड कहाँ पे लाई कर रहा है, इस बेस से ये लाई कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स बाई 3, और जबकि इस एपेक्स से ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इट इज लाई ऑन एट ए 2x बाई 3 डिस्टेंस, करेक्ट। तो हमने, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो डिस्टेंस है इसे हम ऑलवेज मेजर करेंगे कहां से, फ्रॉम बेस, है ना, फ्रॉम एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन, यही एक्स एक्स, यहां से मेजर करेंगे। तो इसकी डिस्टेंस मिल गई एक्स वाई थ्रू। तो हमने क्या किया कि इस ट्रायंगुलर फोर्स वेरिएबल लोड है इसको हटा के इसकी जगह पे हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स अप्लाई किया जिसका मैग्नीट्यूड वही होगा जो इस टोटल ट्रायंगल का एरिया है, दैट इज डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 12, यही फोर्स है नेट फोर्स। और इसको हमने एज्यूम कर लिया दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स विच इज लाइंग ऑन एट अ सेंट्रोइड, करेक्ट है। तो हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इस बेस से सेंट्रोइड की डिस्टेंस क्या, एक्स वाई थ्रू। तो अब इसका मूवमेंट क्या आएगा, तो यू कैन सी हियर कैलकुलेशन फॉर बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट अबाउट दिस एक्स एक्स, तो सिंपली क्या आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे फोर्स क्या है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ एल, एंड सिंस दिस फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड देयरफॉर इट विल प्रोड्यूस नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। तो मैं पहले से ही नेगेटिव साइन अप्लाई कर देता हूं, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दिस वन एक्स बाई 3, यहां पे मैं एक्स बाई 3 ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यस आर नो। तो सिंपल से यहां से इक्वेशन मिल गया, माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6 एल। अब आप मुझे बताओ कि अब समझ में आया कि नहीं, अभी भी ये डाउट लग रहा है क्या किसी को, हेलो एनी वन, प्रतीक समझ में आ गया, कृष्णा, प्रतीक, एनी वन, चलिए ठीक है मान लेते हैं। तो अब मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखो, अब हमें इनकी वैल्यूज पता करना है। बेंडिंग मोमेंट एट बी वेन एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0, और बेंडिंग मोमेंट एट ए वेन एक्स इज इक्वल टू 12। और यहाँ पे देखो, अब आपको कह रहे थे ना कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में मैं मेजर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्स को पॉजिटिव कंसिडर करके चल रहा हूँ, करेक्ट है, और इस डायरेक्शन में मैं मेजर करूंगा तो इसे माइनस एक्स करूंगा, करेक्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा कोई कंफ्यूजन होता नहीं है कैंटिलीवर बीम के केस में, क्योंकि एवरी टाइम वी ऑलवेज मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड, करेक्ट है, और फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जो भी डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा वो सारी पॉजिटिव कहलाएगी। अगर यहाँ पे ओरिएंटेशन कुछ मैं ऐसे बदल दूं और यहां से डिस्टेंस मेजर करूं राइट साइड, तो भी मैं पॉजिटिव ही कंसिडर करूंगा, ये याद रखना। फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट विल बी कंसिडर एज पॉजिटिव वैल्यू, इज इट क्लियर। यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू एल, अब एक्स एक्स इज इक्वल टू एल यहाँ पे पुट करूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 एल, और इसे आप सिंप्लीफाई करो तो सिंपली आ जाएगा ये माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6। दिस इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इज इट क्लियर। और यहाँ पे जो एक्स क्यूब है मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये सारा दोस्तों दिस इज क्यूबिक इक्वेशन,
और आपको मैं क्यूबिक इक्वेशन बता दूं, इसका भी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं दोस्तों, सपोज यू हैव वाई इज इक्वल टू एम एक्स क्यूब, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, और इधर मैं प्लस एक्स और इधर माइनस एक्स कंसिडर करूं, ये कर्व कुछ इस तरीके से बनता है लाइक दिस, इज इट क्लियर। एंड अब वहीं पर अगर मैं वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स क्यूब करूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, क्योंकि तो यहाँ पे देखो ये कर्व कैसे बना, एक्स की कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करो, वाई नेगेटिव ही मिलेगा हर जगह, और यहाँ पे एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करो तो हमें वाई हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। इसलिए इस ओरिजिन के राइट साइड आपको पॉजिटिव कर्व है और लेफ्ट साइड आपको नेगेटिव कर्व मिला, और वहीं पे वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर हो, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशियंट नेगेटिव है, करेक्ट है, तो इसमें एक्स की कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे वाई हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से होगा, करेक्ट है लाइक दिस। और एक्स की कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पुट करूं, एक्स की सॉरी एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करूं तो मुझे वाई हमेशा नेगेटिव मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से इनके कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। फॉर वाई वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर एम एक्स क्यूब एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स क्यूब, यस आर नो? तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया हाउ टू ड्रॉ दीज कर्व्स। तो ये क्विक रिविजन करा, और ऑलरेडी आपने ये 10th क्लास में पढ़ा है, करेक्ट है, तो मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल्स आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कर्व बनेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ये कर्व, और यहाँ पे एक साथ में लिख देता हूँ, अगर आपके पास यहाँ पे वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर है, पैराबोलिक कर्व है, तो ये कर्व देखो इस तरीके से बनेगा लाइक दिस, और वहीं पे अगर वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कर्व मिलेगा लाइक दिस। तो देखा जाए तो दोनों कर्व जो है, एक पोर्शन का अगर हम कर्व मैच करें तो ये जो वेरिएशन है कुछ सेम समवॉट एक जैसे ही है, बट यहाँ पे जो वेरिएशन है ज्यादा स्टीप होगा, करेक्ट है, इसका जो वेरिएशन है ज्यादा स्टीप होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जो कर्व मैं ड्रॉ करूंगा इट इज लाइक दिस, लाइक दिस, करेक्ट, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। पैराबोलिक होता तो मैं थोड़ा सा आराम से ऐसे ड्रॉ करता कुछ इस तरीके से, करेक्ट है। तो दोनों में बस इतना है, कोई खास ज्यादा डिफरेंस है नहीं, करेक्ट। और आपने क्या कहा था कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम एक्स पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दो, आपको हर एक पॉइंट पे थ्रू आउट द लेंथ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ही मिलेगा। तो आई थिंक इस तरीके से समझ में आया कि नहीं, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, और इसकी मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है दिस वन, यहाँ पे इसकी वैल्यू है माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6, एंड दिस इज नेगेटिव, यस आर नो? करेक्ट। तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आया हाउ टू ड्रॉ दिस शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन, यस आर नो? एनी वन? स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, एनी वन? और दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया लेक्चर फटाफट लाइक कर देना, करेक्ट है, बोलो किसी कुछ डाउट है क्या? एनी वन? अंकुश, कृष्णा, जयेश, रोशनी, सुरुचि, शंकर, प्रतीक, एनी वन? ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, मतलब कुछ कुछ भेजे में जा रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे फोर्थ केस में आपको बताने जा रहा हूं, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, इफ दिस कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग मोमेंट, और इसका ऑलरेडी हमने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है इन केस इन बेंडिंग स्ट्रेस एनालिसिस, यहां पे देखो। और वन मोर थिंग दोस्तों, जो सिविल इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स रह गए थे ना इस बेंडिंग बेंडिंग वाले पोर्शन का भी, तो मैंने सर को सजेस्ट कर दिया है, आपको कोई ना कोई फैकल्टी जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो डोंट वरी, कंप्लीट सिलेबस होगा, ठीक है, कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं, आप बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए, बस यहाँ पे लोग आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे कांस्टेंट मोमेंट एक्ट हो रहा है फ्री एंड पे, और इसका अगर मुझे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, देन देखो कैसे करेंगे। अगेन फर्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू ड्रॉ रेफरेंस लाइन लाइक दिस, और दोस्तों हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है वही पढ़ाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि तो इससे ज्यादा डेप्थ में नॉलेज मिल जाती है, करेक्ट है।
इवन जो फैकल्टीज है सारे फैकल्टीज ऑलरेडी गेट क्वालिफाइड है, मास्टर्स है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया के, करेक्ट है, तो ऑलरेडी सबको पता है, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स पता है, लेकिन फिर भी सबने कोशिश यही की है कि जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है वही वो सब्जेक्ट लें, करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे काफी वेराइटीज मिलने वाली है, काफी डेप्थ में नॉलेज मिलने वाला है, करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सिंपली ड्रॉ कर दिया, दिस इज एस एफ डी, बेसलाइन फॉर एस एफ डी, करेक्ट। अब देखो हमें कैलकुलेशन करना है फॉर एस एफ डी। देखो दोस्तों मैं जो आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको यही फॉलो करनी है, आप कुछ भी इधर उधर नहीं करना, करेक्ट है। जनरल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लोड डायग्राम कहीं बना होता है, शियर फोर्स डायग्राम कहीं और बनाते हैं, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कहीं और बनाते हैं, तो इनके बीच में प्रॉपर कोरिलेशन नहीं होता और आप उसको कभी समझ ही नहीं पाते कि लोड के वेरिएशन के हिसाब से शियर फोर्स में कैसा वेरिएशन है, शियर फोर्स के वेरिएशन के अकॉर्डिंग बेंडिंग मूवमेंट में कैसे वेरिएशन है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट वे है कि आप उनको साथ में ड्रॉ करो, तो आप प्रॉपरली इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर पाओगे, करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं शियर फोर्स डायग्राम हमें ड्रॉ करना है एंड इसके लिए कैलकुलेशन करना है फॉर ए बी सेक्शन। तो सिंपली फर्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू कट अ सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स लाइक दिस, करेक्ट। अब यहां पे लिखो एक क्वेश्चन, शियर फोर्स अबाउट दिस एक्स एक्स, करेक्ट है दोस्तों। तो अब आप मुझे बताओ इज देयर एनी फोर्स एट द राइट पोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, राइट पोर्शन ऑफ द सेक्शन, एनीवन, इस क्रॉस सेक्शन के राइट साइड कोई भी फोर्स एक्ट हो रहा है क्या? देन द आंसर इज जीरो, नो फोर्स। इट मीन्स यहां शियर फोर्स क्या होगा, शियर फोर्स डायग्राम इटसेल्फ अ बेस लाइन, और ये बेस लाइन शो करता है कि एवरीवेयर थ्रू आउट द लेंथ शियर फोर्स यहाँ पे क्या है दोस्तों, जीरो, करेक्ट। अब नेक्स्ट आते हैं बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए देखो, बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस एक्स एक्स, तो सिंपली क्या लिख सकता हूँ, हियर वी हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन आता है कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वंस अगेन यू कैन जस्ट सी हियर, इफ आई ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम राइट पोर्शन के, इस राइट पोर्स बीम के राइट पोर्शन का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से ये बीम कैसे बेंड होगा, इट इज बेंडिंग लाइक दिस, ये सानो, ये कुछ इस तरीके से बेंड होगा, और ये बेंडिंग कैसा है दोस्तों, ऑब्वियसली इट इज बेंडिंग लाइक हॉगिंग, ये सानो, ये हॉगिंग जैसा बेंडिंग है, और हॉगिंग जैसा बेंडिंग है तो हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज नेगेटिव बेंडिंग, वेरी गुड सुरुचि, नेगेटिव वैल्यू आएगी, वेरी गुड, दिस इज माइनस ऑफ एम, और ये कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड है तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, और सिंपली हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर जीरो, और ये एक्स टू द पावर जीरो क्या शो करता है, दिस इज कॉन्स्टेंट वेरिएशन, यस सॉरी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। नाउ यू कैन सी बेंडिंग मोमेंट एट बी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जीरो। बेंडिंग मोमेंट एट ए, सॉरी नॉट जीरो, मैं जीरो क्यों लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट जीरो, यहाँ पे क्या मिलेगा, हियर यू कैन गेट एम माइनस एम, और बेंडिंग मोमेंट एट ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल, अगेन हियर वी कैन गेट माइनस एम, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएशन है, कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द लेंथ, और नेगेटिव है तो नेगेटिव शो कर देते हैं, इट इज लुकिंग लाइक दिस, दिस इज बी एम डी, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, करेक्ट। अब दोस्तों आपको अगर याद हो तो मैंने एक रिलेशन बताया था कि शियर फोर्स इज नथिंग बट दिस इज डेल बी एम बाई डेल एक्स। अब यहां पे देखो जो आपका बेंडिंग मोमेंट है ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, यस आर नो, सिंपली आप कह सकते हो ना बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एम, दैट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, दिस डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यस आर नो, करेक्ट। और यहां पे आपको देखने को मिल रहा है शियर फोर्स डायग्राम क्या है, जीरो। तो आई थिंक दोस्तों समझ में आया कैसे हमें इसे ड्रॉ करना है, एनीवन, हेलो। और एक बात और ध्यान रखना कि जिस भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट एक्ट होगा कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डायरेक्टली ये तो अप होगा या डाउन होगा, करेक्ट है। जैसे यहाँ पे आप देखो बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली डाउन होगा यहाँ पे, जबकि अभी तक किसी भी केसेस में आपको इस तरीके का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहीं नहीं दिखा था, ये सानो। तो याद रखना जहां कहीं भी
करेक्ट है, चलो मैं एक प्रॉब्लम ही करा देता हूं तो आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। करेक्ट है, लेट्स सी हियर। सपोज हियर वी हैव अ कैंटिलीवर बीम एंड इन दिस केस द लोड इज एक्टिंग लाइक दिस। सपोज दिस लोड इज पी और चलो मैं सब कुछ ही लगा देता हूँ, सब कुछ तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि इतना बड़ा भारी कोई क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं रहा है, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन के लिए मैं नहीं यहाँ पे आपको बताने वाला, आप खुद प्रैक्टिस करो, नहीं बनेगा तो पूछ लेना। लाइक दिस, ये यूडीएल भी लगा दिया और इस पॉइंट पे मिड स्पैन पे मैं यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट भी लगाऊंगा, दैट इज एम इज इक्वल टू पी एल बाई 4। करेक्ट, और यहां पे जो लोड है दिस इज डब्ल्यू ले लेते हैं, चलो करेक्ट है, या कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। करेक्ट है, यहां पे पी की जगह मैं ले लेता हूं दिस इज 10 किलो न्यूटन, क्योंकि फिर कोरिलेशन निकलेगा नहीं, फिर वही प्रॉब्लम आएगी, प्लस ज्यादा माइनस कम, कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है। करेक्ट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करते हैं, एम इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन मीटर और यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। करेक्ट, और ये लेंथ कितनी है दोस्तों, सपोज अगर मैं टोटल लेंथ यहाँ पे अज्यूम करूं दिस इज 1 मीटर एंड दिस इज 1 मीटर और ये मिड स्पैन है, दिस इज ए मिड पॉइंट है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। करेक्ट, एट सपोर्ट द बेंडिंग मोमेंट विल बी अपवर्ड इन द प्रीवियस, देखो अपवर्ड लग रहा है या डाउनवर्ड लग रहा है अर्पित, बोलो अपवर्ड है या डाउनवर्ड। हेलो, और अगर यहाँ पे आप अपवर्ड लगा लोगे तो ये कांस्टेंट कैसे होगा, फिर तो लीनियर कहीं वेरिएशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि वाई अपवर्ड है ना, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अपवर्ड क्यों होगा, मेरा इक्वेशन क्या है दिस वन, मुझे कुछ नहीं पता है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज क्या आ रही, मैं सिर्फ इक्वेशन मुझे पता है, मैंने ये लिख दिया और इसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यूज पुट की और उससे मुझे रिजल्ट मिल गया माइनस एम एंड माइनस एम, जैसे मुझे दोनों जगह पे माइनस एम वैल्यू मिल गई तो चलो मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। करेक्ट, और अगर सपोज यहां पे अपवर्ड हो भी जाता, चलो मान लेते हैं कि अपवर्ड है और यहां पे डाउनवर्ड तो ये फिक्स है ना, अब आप इन दोनों को कॉन्स्टेंटली किसी कर्व से ज्वाइन कर पाओगे क्या, बालक ये एक्शन यहां पे हमने रिएक्शन नहीं ड्रॉ किया, मैंने आपको कहा कि मैंने यहां पे रिएक्शन रिप्रेजेंट किया है, बोलो हेलो, और चलो आपको रिएक्शन ही समझाना है, चलो इसको भी बता देता हूं, डोंट वरी, इसकी आत्मा तक मैं बताऊंगा, डोंट वरी। इस मूवमेंट की वजह से रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, करेक्ट है, ऐसे लिख सकते हैं दिस इज रिएक्शन रिएक्टिव मूवमेंट, चलो रेड कलर से शो करता हूं, डोंट वरी, और डॉटेड लाइट से शो करता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन हो, दिस इज रिएक्शन और ये रिएक्शन क्या आएगा दोस्तों, एम जो कि क्या लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज का अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे सेक्शन कट किया है आपने एक्स एक्स, अभी मैं उसी को एज इट इज लिख रहा हूं और इस पोर्शन में इस बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस। अब आप मुझे बताओ इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से ये कर्व कुछ इस तरीके से बेंड होगा, ये सर नो, इस तरीके से अगर बेंड हुआ और इस कर्व को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो दोनों ही केस में ये क्या है, हॉगिंग हॉगिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस आर नो, दोनों ही केस में ये हॉगिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जब दोनों ही केस में हॉगिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इट मींस कि बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होगा ना, बोलो हेलो, तो समझ में आ गया बालक अर्पित, चलो वेरी गुड, लाइक करते चलो भाई, 20 लोग देख रहे हो, लाइक 19, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें,
हालांकि इतना बड़ा भारी क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा आपसे किसी भी एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि तो मुझे एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताना था। यू कैन सी हियर, वेरी गुड, दिस इज एस एफ टी, बेस लाइन फॉर एस एफ टी, करेक्ट है दोस्तों। अब देखो कैलकुलेशन चले करते हैं। देखो अब इस प्रॉब्लम को मैं क्यों बता रहा हूं उसका मीनिंग समझना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे अभी तक तो बहुत सिंपल सिंपल था, एक ही लोड लग रहा था, यहाँ पे मल्टीपल लोड लगा दिया, इवन ओवरलैपिंग हो रही लोड्स की, करेक्ट है, शियर फोर्स डायग्राम। अब मैं आपको बार बार कह रहा था कि आप पहले लिखो कि कैलकुलेशन किसका करने जा रहे थे। यहाँ पे हमने लिखा एस एफ डी का कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट लिखना है किस सेक्शन के लिए करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा बीसी सेक्शन के लिए करना है, करेक्ट। अब बीसी सेक्शन के लिए कट करना है कैलकुलेशन, तो सबसे पहले एक सेक्शन में कट करूंगा लाइक दिस इन बिटवीन बीसी, और ये सेक्शन लाइक कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम फ्री एंड, दैट इज सी एंड, करेक्ट है दोस्तों। तो अब इसके रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर सेक्शन में, दैट इज एक्स एक्स सेक्शन जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, शियर फोर्स का इक्वेशन लिखना एट दिस एक्स एक्स। तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सम कर दो, तो जो 10 किलो न्यूटन फोर्स है ये डाउनवर्ड है ऑब्वियसली, तो सेक्शन के राइट साइड अगर डाउनवर्ड फोर्स होता है तो उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो चलो +10 ले लेते हैं। फिर इस रीजन पे जो लग रहा फोर्स ये भी डाउनवर्ड है बट यूडीएल है, तो मैं प्लस साइन के साथ मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 किलो, ये कैसा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 2 × x डिस्टेंस और x की पावर 1 है, तो ये वेरिएशन कैसा हुआ, दिस इज लीनियर वेरिएशन, ये सानो। तो आई थिंक ये इक्वेशन समझ में आ गया दोस्तों कैसे लिखा हमने। नेक्स्ट शियर फोर्स एट सी व्हेन x इज इक्वल टू 0, यहां पे आपको नेट वैल्यू मिलेगा 10 किलो न्यूटन का, ये सानो। नेक्स्ट शियर फोर्स एट बी व्हेन x इज इक्वल टू 1 मीटर, इसकी लेंथ 1 मीटर है, तो दोस्तों क्या आ जाएगा ये 12 किलो न्यूटन पर मीटर। तो आई थिंक समझ में आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करती है 10 + 2 × 1, दैट इज 12 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी 12 किलो न्यूटन, मीटर नहीं भाई, करेक्ट 12 किलो न्यूटन, करेक्ट है। और वेरिएशन कैसा है, लीनियर है, वेरी नाइस। अरे हाँ वन मोर थिंग, ओहो ब्लंडर मिस्टेक हो रही थी, यस करेक्ट ही तो है, कोई मिस्टेक नहीं है, वेरी गुड। तो यहाँ पे दोस्तों चलो ज्वाइन कर देते हैं कर्व बनाने के लिए, रेड पेन से इस बार करते हैं, ठीक है, ड्रॉ, यू कैन सी हियर लाइक दिस। ओहो फिर भी गलत है, क्यों कर रहा हूँ मैं, अब टाइम हो रहा है लगता है, क्लास का एंड होने का टाइम आ गया। देखो यहाँ पे 10 किलो न्यूटन है, यस आर नो, पॉजिटिव वैल्यू है, हमने सी पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू ड्रॉ कर दी। फिर वेरिएशन कैसा, लीनियर है, ओ भी 2 10, यहाँ पे 12 किलो न्यूटन है और लीनियर वेरिएशन है, तो हमने ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट को। यू कैन सी दिस इज 10 और यहाँ पे क्या मिलने वाला आपको, 12 किलो न्यूटन, यस आर नो। तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों, आप बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है, ये सही सही करेक्ट है, ड्रॉ करो शियर फोर्स डायग्राम क्या। चलिए आप सर्च करिए करेक्ट है या रॉन्ग, मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट ए बी सेक्शन, अब इस ए बी के लिए क्या करना है, देखो ए बी के लिए क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे सेक्शन कट करना है, बट इस बार डिस्टेंस जो मेजर करेंगे बी पॉइंट से मेजर करेंगे, क्योंकि बी सी की कहानी एंड हो चुकी है, तो अब बी एंड से स्टार्ट करेंगे न्यू स्टोरी। अगेन मैं यहाँ पे एक्स डिस्टेंस कंसिडर करूंगा एट ए क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स फ्रॉम बी एंड, करेक्ट है, वेरी गुड। देखते रहना भाई कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके लिए करूं मैं कैलकुलेशन तो क्या आएगा, शियर फोर्स एट एक्स एक्स ए बी सेक्शन के लिए दोस्तों। तो देखो एलजेब्रिक सम हमेशा फ्री एंड से ही करेंगे दोस्तों, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन की आप कहाँ कंसिडर कर रहे हो। मैंने आपको क्या कहा था कि एक सेक्शन कट करो और उसके राइट पोर्शन जितने भी फोर्सेस सबको सम करो, तो मैं फिर से अगेन सी एंड से स्टार्ट करूंगा। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, देखो 10 किलो न्यूटन पॉजिटिव है प्लस यूडीएल। अब देखो इस पोर्शन की यूडीएल को मैं इंडिविजुअली ट्रीट करूंगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 1, यस आर नो। उसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट से इस एक्स एक्स के बीच में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है वो भी यूडीएल, तो सिंपल हम लिख सकते हैं 2 × x पॉजिटिव,
करेक्ट है, तो ये इक्वेशन आएगा कि नहीं, और एक्स पावर वन है तो सिंपली हम लिख सकते हैं दिस इज लीनियर। करेक्ट, तो सिंपल सा इक्वेशन मिल गया 12 + 2 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर वन। करेक्ट है, आपको दोस्तों शॉर्टकट नहीं फॉलो करना है, याद रखना जैसे मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं वैसे ही प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। तो शियर फोर्स एटम बी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, जैसे हमने इसको पुट किया तो क्या आएगा यहाँ पे दोस्तों, दिस इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन, जो कि ऑलरेडी हमें पता है। नेक्स्ट, शियर फोर्स एट ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर, ये क्या आएगा दोस्तों 12 + 2 × 1, तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 14 किलो न्यूटन। और अगेन वेरिएशन कैसा है, लीनियर है, 12 पे तो ऑलरेडी हम बैठे हुए थे और 2 किलो न्यूटन तो लगभग सेम स्लोप होगा, तो इसी कर्व को मैं कंटिन्यू कर दूं, क्यों, क्योंकि सेम यूडी लग रहा है थ्रू आउट द लेंथ, तो स्लोप सेम होगा, स्लोप चेंज मत कर देना कि आपने सपोज स्लोप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। करेक्ट है, गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। करेक्ट है, अगर आप यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे अगर वेरिएशन इस तरीके से ड्रॉ कर दिया या इस तरीके से कर दिया, कोई सा भी, दोनों ही ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों, क्योंकि इन बिटवीन ए टू सी वी हैव सेम यूडीएल, तो स्लोप भी सब जगह सेम मिलने वाला है। करेक्ट, इसलिए मैंने जो बीसी सेक्शन में स्लोप था वही सेम स्लोप कंटिन्यू कर दिया। और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों, हियर वी कैन गेट 14 किलो न्यूटन एंड दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, तो ये बन गया शियर फोर्स डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर लोडिंग। अब यहाँ पे देखो, मैं जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मूवमेंट था उसे मैंने कंसिडर नहीं किया, और कई बार स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं, उसको भी कंसिडर कर लेते हैं, तो दोस्तों ये गलती मत करना, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट है तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में ही तो ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, शियर फोर्स के इक्वेशन में उससे का कोई लेना देना ही नहीं, ये सार नो। ये बन गया शियर फोर्स डायग्राम। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो शियर फोर्स डायग्राम से रिलेटेड तो फिर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, या फिर हम आगे बढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए, बीएमडी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ कैलकुलेशन फॉर बीएमडी, और किसके लिए कैलकुलेशन करूंगा सबसे पहले, बीसी सेक्शन के लिए। करेक्ट, तो यहाँ पे देखो क्या इक्वेशन बनेगा, बेंडिंग मोमेंट अबाउट दिस एक्स एक्स, क्या आएगा दोस्तों, वेरी गुड जय शंकर अखंड, वेरी गुड, क्या आएगा बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, तो देखो यहाँ पे -10 × x − wx² ओ w, तो यहाँ पे क्या w की वैल्यू क्या है, 2 किलो न्यूटन है ना, तो 2 × x² / 2। करेक्ट है दोस्तों, तो ये 2 से 2 तबाह हो जाएंगे, तो सिंपल से इक्वेशन क्या मिला, और कुछ लग रहा है क्या इन बिटवीन दिस एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन एंड सी, यही है ना, ये आएगा 10x − x² और ये कैसा कर्व है, पैराबोलिक, पैराबोलिक वेरिएशन है, एक्स की मैक्सिमम पावर को देखना है दोस्तों बस। करेक्ट, वही डिसाइड करेगा कि कर्व कैसा है। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सी व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन हियर वी कैन गेट जीरो वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट एट बी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर, तो क्या आएगा दोस्तों -10 − 1, तो सिंपली हियर वी कैन गेट −11 किलो न्यूटन मीटर, ये सानो। करेक्ट है, और साथ में चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। करेक्ट, यू कैन सी हियर, हियर वी हैव पैराबोलिक वेरिएशन, पैराबोलिक वेरिएशन ये सार नो, इस पॉइंट पे 0 है, यहाँ पे 11 है, इसको मैं पैराबोलिकली इस तरीके से ज्वाइन कर सकता हूँ, एंड हियर वी कैन गेट −11 किलो न्यूटन मीटर। करेक्ट, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें लिखना है बेंडिंग मोमेंट फॉर ए बी सेक्शन, तो क्या आएगा दोस्तों इक्वेशन, बोलो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, सबका एल्जेब्रिक सम लो, तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ −10 × अब ये डिस्टेंस कितनी होगी 1 मीटर + x, ये सानो। मैं यहां पे लिखता हूं, यू कैन सी बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, यू कैन सी हियर, क्या आएगा दोस्तों बोलो −10। अब इस ए बी के बीच में ये जो क्रॉस सेक्शन, इसकी पोजीशन यहां से क्या है सी एंड से, तो ऑब्वियसली यहां से क्या है 1 मीटर की डिस्टेंस है प्लस एक्स डिस्टेंस, तो 1 + x माइनस,
अब इस रीजन का अगर मैं यूडीएल इंडिविजुअली कंसीडर करूं तो ये 2 किलोमीटर इंटू 1 मीटर डिस्टेंस लग रहा है, तो 2 इंटू 1, और कहां पे लाइक करेगा, एट हाफ डिस्टेंस। तो हाफ डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, 1/2, दैट इज 0.5 प्लस एक्स, करेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, 0.5 प्लस एक्स। ये यहाँ पे नेसेसरी नहीं है ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना नेसेसरी नहीं है सुरुचि, है ना। ये तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि आपको पता रहे, थोड़ा सा आइडिया रहे, इसलिए लगा रहा हूँ। अदरवाइज जब आपने रेफरेंस के बिलो अगर आपने कर्व ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया और आपने पहले ही कहा कि रेफरेंस के बिलो हम नेगेटिव लिखेंगे, हाँ यहाँ पे नेगेटिव साइन की कब जरूरत नहीं है, जब आप यहाँ पे रेफरेंस लिख दो, पहले से साइन कन्वेंशन लिख दो, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तब आपको यहाँ पे ये साइन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको रिप्रेजेंट नहीं किया तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि बेस लाइन के नीचे ही नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, करेक्ट है। तो जब आप कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करो तो ये जरूर फॉलो करो, तो आप पहले ही ये साइन लगा दो, करेक्ट है, और उसके बाद फिर आपको कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं कहीं भी, करेक्ट है। तो जब भी आप कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करना तो ये, और स्पेशली अगर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में अपेयर हो और कन्वेंशनल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये जरूर ड्रॉ करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप 100% प्रॉब्लम सॉल्व करके भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, करेक्ट है। वहां पे आपको एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करना पड़ता है। चलिए, और एक बात और, आपको शियर फोर्स डायग्राम का प्रॉब्लम जब आपने बुक्स में देखा होगा तो वहां पे पॉजिटिव को बिलो बेस लाइन के बिलो और नेगेटिव को बेस लाइन के अबव इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हुए देखने को मिला होगा, या उल्टा साइन कन्वेंशन देखने को मिला होगा। तो शियर फोर्स का जो साइन कन्वेंशन है वो यूनिवर्सल नहीं है, करेक्ट है, किसी को भी पॉजिटिव नेगेटिव हम एज्यूम कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बट बेंडिंग मोमेंट का जो साइन कन्वेंशन है वो यूनिवर्सल है, उसको आपको किसी बुक में डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, ये यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन है, करेक्ट है। तो चलिए हम लोग बी पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। बी पॉइंट हमने देखा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मूवमेंट लग रहा है, तो देखो जो 10 फोर्स 10 किलो न्यूटन है इसका मूवमेंट क्लॉकवाइज लग रहा है, तो क्लॉकवाइज को आपने यहाँ पे नेगेटिव कंसिडर किया है, तो बी पॉइंट पे जो मूवमेंट कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का मूवमेंट लग रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज में है, तो ऑब्वियसली इसे मैं पॉजिटिव डायरेक्टली लिख सकता हूं, दिस इज पॉजिटिव 2 किलो न्यूटन मीटर। फिर उसके बाद इन बिटवीन बी एक्स एक्स के बीच में एक और यूडीएल लग रहा है, तो -2 × x² / 2 डायरेक्ट लिख दूं, 2 × x × x/2, ये सानो, तो ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन मिली, करेक्ट। अब यहां से आप वैल्यू लिख सकते हो क्या, बेंडिंग मोमेंट एट बी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा दोस्तों, -10, तो ये एज इट इज आएगा, करेक्ट है, और ये क्या आएगा, -2 × 1/2, तो -1 आएगा, करेक्ट, और ये +2, तो इनकी नेट वैल्यू क्या हुई, -9 किलो न्यूटन मीटर। यस आर नो, इसका मतलब क्या है कि एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट बी 2 किलो न्यूटन कुछ यहां पे एक्ट होगा, 2 किलो न्यूटन मूवमेंट ऊपर चला गया, शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 9 किलो न्यूटन मीटर, और उसके बाद फिर कर्व कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा। देखो ये पैराबोलिक इक्वेशन है, यहाँ पे x² के टर्म है, तो पैराबोलिक वेरिएशन है, तो कर्व मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, और यहाँ इस पॉइंट पे आपके पास क्या वैल्यू है, -9 किलो न्यूटन मीटर, करेक्ट। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे जो कर्व डायरेक्टली अप एंड डाउन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट, यस आर नो। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो बेंडिंग मोमेंट एट ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर, और आप इसको कैलकुलेट कर लो, चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, -10 × 2 दैट इज -20, -2 × 1.5, करेक्ट, या 3/2, तो ये -3 आ जाएगा, +2, -1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ऑब्वियसली -10 आएगी, सॉरी -20, -3, 23, -1, 24, -2, -22, करेक्ट। यहाँ पे वैल्यू आएगा आपका -22 किलो न्यूटन मीटर। तो कुछ इस तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ लोडिंग, यस आर नो, करेक्ट है। तो अब आप दोस्तों मुझे बताओ, इस फिगर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में, या फिगर ड्रॉ करने में, एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने में, किसी को कहीं कोई तकलीफ है क्या, कोई भी डाउट है क्या, एनीवन? हेलो, बोलो।
ए पे डिस्टेंस आप कहां से कैलकुलेट करोगे? वेरी गुड सुरुचि, देखो आपने एक्स डिस्टेंस कहां से रेफरेंस कहां लिया है, एक्स डिस्टेंस का बी पॉइंट है ना, तो ऑब्वियसली इस एक्स की जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इस बी पॉइंट से ए की तरफ लेफ्ट साइड मेजर करेंगे, तो बी से ए की डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर ऑलरेडी गिवन है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स की जगह 1 वैल्यू पुट की है। प्रतीक का क्वेश्चन है -2 × x² / 2। देखो प्रतीक, अब मैं येलो कलर शो करता हूं, यहां पे देखो ये रीजन, सॉरी ये रीजन आपको दिख रहा है बी से एक्स एक्स के बीच में भी यूडीए लग रहा है, तो इसका अगर मैं मूवमेंट का इक्वेशन लिखूंगा बेंडिंग मूवमेंट अबाउट दिस एक्स एक्स, तो क्या आएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोड बस का, तो ये लोड लग रहा है -2 किलो न्यूटन × x, ये हो गया फोर्स 2 × x, इंटू कहां पे लाई करेगा x/2 डिस्टेंस पे लाई करेगा, ये 2 से 2 तबाह हो जाएंगे और x² बचेगा, या सिंपली -2 x² / 2। तो समझ में आ गया ये टर्म कैसे आया। हेलो प्रत्येक, हेलो एनीवन, चलो ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉब्लम मैं दोस्तों बताने वाला हूं, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करो, कैंटिलीवर से रिलेटेड सारे हमने इश्यूज देख लिए यहाँ पे, एक लास्ट प्रॉब्लम है और इसी के साथ हम ये सेशन एंड भी करेंगे, करेक्ट है? और कल क्लास नहीं होगी दोस्तों, अपने कल क्लास ऑफ रहेगी वंस अगेन एज यूजुअल, करेक्ट? यहाँ पे देखो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड कैंटिलीवर बी में हुज लेंथ इज एल। अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का मूवमेंट एक्ट हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव मूवमेंट, इज इट क्लियर, लाइक दिस, और ये सारे मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, करेक्ट? और इसकी यूनिट क्या है, एम न्यूटन मीटर पर मीटर, तो इसे कह सकते हैं दिस इज यूडीएम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव मूवमेंट। अब इसके लिए दोस्तों अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पे देखो अगर यहां पे मैं देखूं तो इस मोमेंट का वेरिएशन कैसा है, तो यूनिफॉर्मली वेरिएशन है, ऐसा नो यूनिफॉर्म वेरिएशन मतलब कांस्टेंट वेरिएशन है, हर जगह सेम मूवमेंट एक्ट हो रहा है, करेक्ट है, कांस्टेंट मूवमेंट है, यस आर नो दोस्तों? तो ऑब्वियसली शियर फोर्स डायग्राम आपका कैसे बनेगा, एज इट इज लाइक दिस, यस आर नो? शियर फोर्स बेस लाइन वही होगा, यस आर नो? कोई शियर फोर्स यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल रही है क्या? हेलो, तो शियर फोर्स 0 होगा, बट बेंडिंग मूवमेंट का अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा दोस्तों, यू कैन सी हियर बेंडिंग मूवमेंट एक्यूमुलेट हो रहा है, यस आर नो, थ्रू आउट द लेंथ। यहाँ पे अगर मैं सेक्शन कट करूँ लाइक दिस, जो कि कहाँ पे लाइक कर रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम दिस फ्री एंड, तो मैं सिंपली कैलकुलेशन बताऊंगा बी एम डी के लिए, करेक्ट है? तो बेंडिंग मोमेंट एट दिस एक्स एक्स क्या आएगा दोस्तों, इक्वेशन एम इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, यस आर नो? एम इंटू एक्स, हॉकिंग हो गए सैगिंग, अब ये कमाल की बात है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे सेक्शन में कट करता हूं और ये मूवमेंट, मूवमेंट कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी एक मूवमेंट पकड़ लो, इसकी वजह से बीम बेंड कैसी होगी, लाइक दिस, ये बेंडिंग कैसी है, सैगिंग जैसी, करेक्ट है दोस्तों? दिस इज सैगिंग, तो सैगिंग है तो पॉजिटिव होगा, यस आर नो? तो पॉजिटिव एम एक्स आएगा और एक्स की पावर 1 है, लीनियर वेरिएशन है। शंकर समझ में आ गया, हॉकिंग नहीं अलग, ये सैगिंग है, करेक्ट है? तो बेंडिंग मोमेंट एट बी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, हियर वी कैन गेट 0, बेंडिंग मोमेंट एट ए व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल, दिस इज इक्वल टू एम एल, करेक्ट? तो लीनियर वेरिएशन है तो लीनियरली ज्वाइन कर दो, इस तरीके से दोस्तों बनेगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, करेक्ट है? तो आई थिंक समझ में आ गया, अगर कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम मिले तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो,
और अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे जो भी लेक्चर है उनके नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट टाइम से मिल सके। करेक्ट है, और मुझे आप कमेंट करके ये बता सकते हो कि आपको लेक्चर कैसे लगा और क्या आपको पढ़ने की नीड है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट ज्यादा हो आप मुझे कमेंट करके बता दो, वही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। करेक्ट है, तो उससे पहले चलिए यहीं पे सेशन एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइस।